नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की माँ दुर्गा की मूर्ति बना के दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास यह डाई रखी है और ये डाई आप देख सकते हैं रबर की और फाइबर की बनाई हुई डाई है। और दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा की फाइनल मूर्ति बना के दिखाने वाले हैं। इससे पहले हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड भी किया था जिसका आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारे उस पर व्यूज़ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के माध्यम से हमको सब्सक्राइब भी किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूर्ति को हम बना के दिखाने वाले हैं, इस मूर्ति की साइज लगभग 6 फीट की होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। तो दोस्तों देरी किस बात की, चलते हैं वीडियो में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति का मोल्ड है। दोस्तों यह मोल्ड फाइबर और रबर का बना हुआ होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है कि आज की यह जो मूर्ति हम आपको बना के दिखाने वाले हैं यह बड़ी साइज मूर्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इस मूर्ति की साइज लगभग 6 फीट की होने वाली है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आज का बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही नॉलेजबल होने वाला है। दोस्तों आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर पड़ने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फाइबर के मोल्ड के ऊपर जो हमारा रबर का मोल्ड है उसे हमने रख दिया है और उसको ठीक तरीके से उसके ऊपर सेट कर रहे हैं ताकि उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की चुन्नट ना रहे, कहीं कोई दबक ना रहे। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये हमारी मूर्ति के पीछे के साइड का हिस्सा है, यानी जो मूर्ति का हमारा मोल्ड है वह दो पार्ट में बना हुआ है। तो अभी तक वो फ्रंट वाला पार्ट था, यानी सामने वाला हिस्सा था, और ये बैक वाला पार्ट है। दोस्तों हमने इस मूर्ति में हाथ का जो मोल्ड है वो अलग बनाया हुआ है, हाथ हम अलग से निकाल के और आपको सेट करके दिखाएंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये नारियल का जूट है और ये नारियल के छिलके से बनता है, इसको हम लोग मार्केट से खरीद कर लाते हैं और इसी से जो है हम आपको आज मूर्ति बना के दिखाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे नारियल का जूट और POP दोनों आपस में मिक्स करके इस मोल्ड के ऊपर चिपका रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे यह काम करने में काफ़ी फुर्ती रखना होता है, यानी काफ़ी शीघ्रता रखनी होती है, काफ़ी तेज़ी रखनी होती है अपने हाथों में, नहीं तो हमारी जो POP है वह बहुत जल्दी सेट हो जाएगी और हम लगा भी नहीं पाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी मूर्ति का जो पीछे का हिस्सा था वह पूरी तरह से बन चुका है और अब हम यहाँ पर बांस यानी जो बैम्बो होता है उसके टुकड़े को लगा करके सपोर्ट दे रहे हैं ताकि हमारी मूर्ति जो है वह मजबूत बन सके। दोस्तों सेम इसी प्रोसेस में जो हमने अभी आपको दिखाया था आगे वाला मोल्ड, उसमें भी इसी प्रकार जो है हम POP और नारियल का जूट लगाएंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये हमारी मूर्ति के मोल्ड का आगे वाला पार्ट है और अब हम आपको इसमें जो है POP लगा के दिखाते हैं।
दोस्तों अब आप देख सकते हैं हम अपनी मूर्ति के अगले हिस्से में भी पूरी तरह से जूट और पीओपी लगा चुके हैं और अब इसमें जो है हम बांस का सपोर्ट देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम बांस रखेंगे और बांस रखने के बाद में हम इसमें पीओपी और जूट के मिश्रण को पूरी तरह से लगाएंगे और मजबूत करेंगे। दोस्तों अगर इस मूर्ति को लेकर के कोई आपके मन में डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का आंसर जरूर देंगे। दोस्तों मूर्ति में बांस पूरी तरह से सेट हो चुका है और अब इसके बाद में जो मूर्ति के पीछे का हिस्सा था हम इसको निकालेंगे और निकालने के बाद में इसको ले चल के मूर्ति के फर्स्ट पार्ट यानी आगे वाले हिस्से में सेट करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप गौर कीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमने उस मोल्ड को खड़ा किया, खड़ा करने के बाद में हमने उसका जो फाइबर था उसको सबसे पहले निकाला और उसके बाद में आप देख सकते हैं हमने रबर भी निकाल के बगल में रख दिया है और ये जो पिछला हिस्सा है इसको उठा करके ले चलेंगे और उसी के ऊपर रख करके उसी में जाम कर देंगे पीओपी और जूट की मदद से। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पिछले हिस्से में कुछ होल बनाया हुआ है ताकि हम उसी होल में हाथ डाल करके दोनों पार्टों को आपस में जोड़ सकें। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लकड़ी का बेस बना रहे हैं और इस बेस को जो हमारे मूर्ति का निचला हिस्सा है वहाँ पर सेट करेंगे। दोस्तों इस बेस को सेट करने से क्या होगा, हमारी मूर्ति मजबूत हो जाएगी, उठाने में भी आसानी होगी। मूर्ति के नीचे जो हम पटरी लगा रहे हैं लगभग 2 इंच का जगह होगा ताकि मूर्ति हम ट्रैक्टर पर रखें या कहीं और रखें, रखने उठाने इधर उधर करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो होल छोड़ा था उसी में हाथ डाल डाल करके यहाँ पर पीओपी और जूट की मदद से इन दोनों पार्टों को आपस में चिपका रहे हैं। और दोस्तों अब ये जो हमने फ्रेम बनाया हुआ था स्ट्रक्चर का नीचे लगाने वाला, आप देखिए कुछ इस प्रकार से इसमें सेट करके फिर इसको नारियल के छिलके यानी जूट और पीओपी की मदद से यहाँ पर सेट कर देंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर मजबूत हो चुका है और हमारी मूर्ति के दोनों पार्ट आपस में जुड़ भी चुके हैं। तो अब आप देखिए हमने किस प्रकार से इस पूरे फर्मे को खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद में इसका जो आगे वाला हिस्सा है हमने इसको निकाल लिया और यहाँ पर देखिए ये गुलछे लगे हुए हैं, इनको निकालेंगे और ये जहाँ का है वहीं पर उठा करके सेट कर देंगे और सेट करने के बाद हम रबर निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अब धीरे धीरे जो है काफ़ी सहूलियत के साथ हम अपनी मूर्ति के ऊपर जो रबर लगा है उसको निकाल रहे हैं और अब आप देखिए फाइनल हमारी मूर्ति कितनी प्यारी निकल रही है। दोस्तों देखिए माता जी का फेस जो है निकल चुका है और आप देखिए अभी ये मूर्ति आपको अधूरी लग रही है क्योंकि अभी इसमें हाथ सेट नहीं है। दोस्तों इसको निकालेंगे, निकालने के बाद में जो इसमें ओवर पार्ट है यानी कहीं कहीं पीओपी का कुछ पार्ट निकला हुआ है ओवर एक्स्ट्रा, उसको हम कटिंग कर देंगे किसी चाकू की मदद से और उसको कट करने के बाद में फिर हम इसमें हाथ सेट करेंगे। दोस्तों अभी हमने हाथ आपको छाप के नहीं दिखाया है, अभी आगे हम आपको हाथ भी छाप के निकालेंगे और निकाल के सेट करके दिखाएंगे।
दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी मूर्ति से हमारा फर्मा बिल्कुल अलग हो चुका है। और ये देखिए आप इसमें हाथ की तरफ और कहीं कहीं देखिए ओवर पार्ट हैं। अब इनको हम जो है कुछ औजार की मदद से इसकी सफाई करेंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये है हमारी मूर्ति के हाथ के मोल्ड हैं। तो अम्बे माता की मूर्ति में दोस्तों 8 हाथ होते हैं, तो ये 8 हाथ में हम पीओपी भर रहे हैं। दोस्तों ये जो हाथ है इनको हम भरतू बनाएंगे, यानी खोखलू अंदर से ये नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर हम इन हाथों में जूट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, नारियल के छिलका का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ पीओपी का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें पूरा एक एक हाथ भर के नहीं दिखाएंगे। और अब हम शॉर्टकट तरीके से आप देख सकते हैं हमारा पूरा हाथ जो है भर चुका है। और अब हम इसको खोल के दिखाएंगे कि किस तरह से इसको खोलते हैं। दोस्तों एक दो हाथ हम आपको खोल के दिखा देंगे, ठीक उसी प्रकार से हम सारे हाथ खोलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ट्यूब होता है, यानी मोटरसाइकिल में जो ट्यूब होता है जिसमें हवा भरते हैं, उसी की मदद से हमने इस मोल्ड को बांधा हुआ था, उसको हमने पहले खोल दिया। और खोलने के बाद में अब आप देख सकते हैं हमारा जो फाइबर वाला फर्मा था उसको अलग कर दिया। अब रबर वाले फर्मे को भी हम अलग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही प्यारा और खूबसूरत हाथ जो है इसमें से बन के निकल चुका है। दोस्तों अब हम आपको दूसरा हाथ खोल के दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये ट्यूब यानी रबर जो है इसको पहले खोलेंगे, और खोलने के बाद में इसके ऊपर का फाइबर हटाएंगे, और फाइबर हटाने के जस्ट बाद इसमें जो हमारा रबर का डाई है यानी रबर का जो साँचा है उसको भी हाथ से अलग कर देंगे, और हमारा बहुत ही प्यारा और खूबसूरत हाथ हमारे हाथों में आ जाएगा। और दोस्तों अब हम इसी तरह से एक एक करके सभी हाथों को अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद में सबकी सफाई करेंगे चाकू से, यानी जो एक्स्ट्रा पार्ट है पीओपी वगैरह निकला है, हाथ में जो हम शस्त्र पकड़ाएंगे मूर्ति को उसके लिए इसमें छेद नहीं है, उस छेद को चाकू की मदद से करेंगे। तो ये सब पूरा प्रोसेस हम आपको करके दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं चाकू की मदद से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे सफा किया जा रहा है, और इसमें जो इस हाथ की जो गादी है वहाँ पे ये छेद नहीं है। देखिए दोस्तों शस्त्र पकड़ने के लिए इसमें हम छेद इसी चाकू की मदद से करके आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों हमारे चाकू में काफ़ी धार है, और ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारा पीओपी जो है कट के अलग हो जा रहा है। दोस्तों अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं, इसके लिए आपको हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपके कमेंट का अवश्य जवाब देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो हाथ है वो फाइनली साफ हो चुका है। हमने एक एक करके सभी हाथ को नहीं दिखाया है क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता। और यहाँ पर अब देखिए हम आपको जोड़ने का प्रोसेस दिखा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कील लगा रहे हैं, हमें जहाँ हाथ जोड़ना है, और हमारा जो हाथ है हमने उसमें भी कील लगा लिया है। अब उसमें हम पीओपी का घोल बना करके उसमें भर करके उसी के ऊपर सेट करके सुतली की मदद यानी तोड़ की मदद से उसी में बांध देंगे, और बांधने के बाद में ये जब सूख जाएगा तब इसको खोल देंगे। और खोलने के बाद में जहाँ पे आपको ये जाहिर हो रहा है कि जोड़ बना हुआ है उसमें ज़रा सा पीओपी लगा करके रिपेयरिंग कर देंगे, और फिर हमारी मूर्ति बन के फाइनली तैयार हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक इसी प्रकार से हम सभी हाथों को जोड़ेंगे। तो अब हम बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और दोस्तों बाकी के जो मूर्ति में बचे हुए हाथ हैं उनको भी ठीक इसी प्रकार इसी प्रोसेस में जोड़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो भी हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, और यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अब हम आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी यह मूर्ति कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बहुत सारी मूर्तियां पीछे बना के तैयार कर ली हैं, यह मूर्ति आपको कैसी लगी आप कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।